राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सिमा में स्वागत है। तो अभी इस टाइम पे 3 बज चुके हैं शाम के, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। बस मन तो काफ़ी देर से कर रहा था, लेकिन ना तो अमित आया था अभी तक, और ना मेरी माँ मेरे को दिखाई दे रही थी भी। नीचे आवाज़ नहीं आ रही थी थोड़ी सी भी। तो मेरी माँ मंदिर में चली जाती है भजनों में, तो मैंने सोचा कि वहीं पर गई हुई है, और फिर खाना खाते ही चली जाती है और 4 बजे के करीब आती है। लेकिन आज गई नहीं थी, ठंड ज़्यादा थी तो अंदर लेटी हुई थी। बाद में रितु ने बताया नाने गई होगी, तब देखा होगा कि ना मौसी तो घर पर ही है, लेट रही है अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर तो मैं चाय बना लूँ, और अमित की भी आवाज़ आ गई थी हमने नीचे कि आ गया है, तो यहाँ पर मैंने जो चाय है वो रख दी है। तो जी, चाय हो गई है हमारी बन के तैयार, और बस हम तीन ने हुआ चाय पीने वाले, क्योंकि ना बच्चे पिया करें ना मास्टर जी। मेरे काका की अलगे बने हैं, फिक्की बनाया करें, तो मेरी माँ नीचे बना दिया करें, और रितु भी कौन पिया करें। रितु तो बस सवेरे वाली जो चाय है ना वो पिया करें उठ दें, बाकी फिर या किसी टाइम चाय नहीं पीती। अच्छी आदत है वैसे मारे में है हालत तो और यहाँ पर बस चाय पी ली है, और मैं अपने प्लांट्स देखने लग रही थी, और ये देखो मनी प्लांट चल तो पड़ा है। बाकी ठंड यहाँ पे तो नहीं लगती होगी, क्योंकि इसके ऊपर भी प्लांट्स रखे हैं, और बाकी मैं अंदर रख दूंगी, इन्होंने 2-3 प्लांट्स ने। अब तो चाय पी के हम तीनों चल पड़े हैं यहाँ पे खेतों में। घर है, और भाई वो मेरी सब्सक्राइबर है, रिश्ते में वैसे चाचे लग गए हम। आई थी पहले घर पे भी आई थी, तो दमन शिमिया करा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो देख आवा भाई किसे के सील रखे हैं, और चुंदड़ी वगैरह भी देख आवेंगे, क्योंकि भाई मैंने दामन की तो ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दामन तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, चुंदड़ियाँ तो मेरे पास बहुत सारी रखी हैं, कुर्ते भी हैं, सारी ज्वेलरी भी रखी हुई है, तो दामन देखने के लिए ही हम जा रहे हैं। ये भी ले रही है यार, ये ताक रही है, यो के है, यो उधर को लाने दो, ये भी ले रही है यार, ना रे ना ये भी ले रही है, ये कड़े से और पूरा कट्टा भर के दिया था ना, मैं सोख सोख पे ले लिया, तेरा तो ये काम है, और मैंने ये ना बस काम भी के है लाली से बड़ा नहीं काम है, तो रहे ले गया कोई ब्याह में ले गया, कोई फंक्शन में ले गई, ये मान लिए को नहीं है, एक तो जो मैं पहरे नहीं है कुंदरा तो मन को तो पहरे थे, ये कर ली कर पा रहा ई वे का दिया हुआ है भी कुछ है मांगन वाली, तो उसने मुखा पे दामन तो को दी, दामन बेटा के दो दामन ले रहे थे किसे के मांगवा, हां नहीं ले गए, और वो छोटा मेरा खुद घर का था, बावन गज के दामन है उनका फैब्रिक भी सा होया करे ना, वो रेज सका है, तो वो इतनी केकड़ियां गए वो हो जाए, इन होगा ना भाई, इन गया चीज काम आवे है, देवा बोली फिर कोई ये देखो थे वा संदूक में पड़ी थी कई साल बाद है, लेकिन उस टाइम वो होए जाओ सब का इन पर तो थे जो थे और का तो थे कई, इन तो दे भी रखे थे इनके, तो हम अपनी मर्जी तेरी है, पर मैं जब आया उधर भाग गई थी छोटे उधर हां तो बता दू तो ठीक से पैर नहीं तो सही है, अरे मारा कोनी में काम की घनी छोटी है कोने फिर दामन ते नन्हे वाले सही थे, छोट दामन हो जाएगा, छोट दामन पैर लियो खुदे खुद लग गया जी, चल कोई कुंडा तो कोई नहीं दिखाई जा दी पिंडी कड़े दिखाई जा कहता पिंडी खानी पड़े में ना, मैं तो है मैं तो जब मनु है रात ही बाय का सूट में भी तो पिंडी दिखेगी, फिर जब मैं खोल ली कड़ा तो कहता दामने पर है अगर का पिंडी दिखेगी के हां मैं वाली से मुंह लेंगे इतना नीचे सूत्रा को लगता थोड़ी पिंडी तो दिखेगी तेरी दिखाने पड़े क्या दामन नहीं तो पजामी पहन लेगा फिर कर ला, फिर पजामी तो मैं भी पहनूं, हां पिंडी की ये है
या देख लो आजकल का जमाना, बुढ़िया काम करा है और दो दो बहू बैठी हैं, हैं बीच में क्या था रूस की थी 3-4 दिन। सुना दे फिर क्यों है भाई। देखो ये सब की होंगी रहा अगर है, क्योंकि रिश्ता ऐसा हुआ ही हो बस नू हुआ है नहीं बेरा है जो सी लुगाई आपस में लड़े नहीं सारे दिन के बेरा बहू अंगला बोलती हाँ के बेरा बहू अंगला बोलती भी नहीं है, बहू सासू गला बोलती भी नहीं, दोरा भी नहीं रहने एक दूसरे की शक्ल भी देख के राजे ने भी नहीं ये तने देखा वीडियो मैं कह रही थी भाई ये चलता रहा कर हर रिश्ते में चलता रहा भाई। सासू का क्यों लोग लुगाएंगे दिन में के ब्रेक है बर्बाद जो है दिन में कई बार ऐसा मैसी हो जाए किसी बात पे नुए सासू गल हो जाए है के लड़ाई मचाए रहा सारा दिन इन फोन में मूवी देखूं के बेरा सारा दिन यो भी रोड़ा रबदाली चीज देख तो भी यहाँ में बन रही है सब्जी कोई फंदा से नहीं रोड़ा रबदा करने कोई नहीं लड़ ले जी करता हो तो और बस दामन लेके आए थे हम फिर चाह पी ली बैठे रहे बात मार ली ईव सब्जी रोटी की तैयारी। देख बात भूल गई की थी कौन तो थी के कौन थी तो इबरी तू बना रही थी सब्जी और मैं यहाँ पे या जो अलमारी है वो सेट कर दूंगी ऊपर तो हमारे प्रेस करे उड़े जो कपड़े हैं वो रखे हैं बीच वाले में जरा वगैरह वही छुट मुट जो सामान है वो है तो ये तीसरे नंबर का जो रखना है वो मेरे को खाली करना है इसमें मैंने जो जूते चप्पल धोए थे ना वो रख दिए थे और इवन मैं सारे ने डिब्बे में डाल के रख दूंगी जो कभी कभार यूज होते हैं मतलब बाहर आने जाने में ही हम पहनते हैं और बाकी जो डेली के हैं वो नीचे रखने में लगा दूंगी। एक जो अलमीरा और है गोदरेज वाली उसके नीचे जो रखना है उसमें रख रखे हैं और नए सारे डिब्बे में डाल के इसमें रख देंगे और इस रखने में मैंने जो अपनी बेड शीट है वो रखनी है। बाकी दूसरी जो अलमारी है उसकी सेटिंग करे दी थी पहले और गोदरेज वाली की भी लगभग हो गई क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा सा मैं संगवाऊँ और अब टाइम भी मिल जावा है जैसे प्रेस का करने का टाइम है वो मिल जावा है अपने कुछ एक्स्ट्रा काम करने का टाइम है वो मिल जावा वरना तो यो वीडियो वाला और रोजमर्रा का जो काम है ना वो हुआ था तो भाई अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और ये करीब 9 बजे के आसपास का टाइम होगा। हम काफ़ी लेट उठे थे आज 8:15 के करीब उठे हैं क्योंकि कुछ ऐसा काम तो होता नहीं है बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो सब लेट ही उठते हैं और यहाँ पे इतना लेट तो नहीं उठते वैसे तो हम 6:30-6 बजे उठ जाते हैं पर आज मेरा भी मन नहीं था बाकी सबके साथ साथ में। और यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि आज बुधवार है तो कल को वीरवार हो जाएगा कपड़े धुलेंगे नहीं परसों तक फिर क्या पता ज़्यादा हो जाए और दिन भी ठीक था मतलब ज़्यादा धुंध वगैरह नहीं थी साफ था तो इस करके मैंने लगा दी थी मशीन। और अब यहाँ पे आ गई हूँ अंदर जो बिस्तरे वगैरह हैं उनकी तह लगा दूँगी और ये जो बेडशीट है वो भी चेंज करनी थी तो वो भी मैंने चेंज कर दी है क्योंकि मशीन लगी हुई है तो फिर साथ में वो भी धुल जाएगी। और जय कर रहा है यहाँ पे अपना स्कूल का काम और सुबह सुबह में ना बहुत सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं। अब आ गई हूँ किचन में बच्चों के लिए जो दूध है वो गर्म करने के लिए रख दिया है और तब तक मैं इनके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भिगो करके रखती हूँ रात में तो उनको पीस लूँगी और दूध ठंडा होने पर दूध डाल दूँगी क्योंकि गर्म दूध हम इसमें नहीं डाल सकते जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना और फिर मैं इसमें दूध और जो कीड़ा है वो मिला करके चला लूँगी। और दूध अभी ठंडा हुआ नहीं था तो यहाँ पे मैं घी निकाल करके रख रही हूँ और ना घी हमारे पास बस लास्ट यही बचा है जो इस किटली में है बाकी सारा घी हम खा चुके हैं। ये भी नहीं भी स्पेशल कोई रख करके ही खाता है बस इसी में लग जाता है हमारे क्या है ना एक तो सब्जी में भी यही पड़ता है
अब ये नहीं कि भी हाँ सब्जी के लिए अलग से कुछ लेकर के आएंगे, और तब तक ये है तब तक यही चलेगा सारी चीज़ों में, परांठे वगैरह भी इसी में बनते हैं। तो फिर परांठों में तो बहुत ज़्यादा घी लग जाता है, अगर हम एक दिन भी बनाते हैं ना तो काफ़ी सारा घी लग जाता है, और बनते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बस यही बचा है, फिर मूल लेकर के खाएंगे 2-3 महीने। और इसमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो है, मंगवाया तो था मैंने अखरोट का पैकेट, पता नहीं फिर ये कैसे गड़बड़ हो गई, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कुछ काजू थे, कुछ बादाम थे, गिरी थी मूंगफली की, और अंजीर, पता नहीं कई तरह के चीज़ें थी, मुझे पता भी नहीं उनके नाम कुछ चीज़ों के। तो यहाँ पे वो भी मैंने डिब्बे में डाल करके रख दिए। फिर मैंने बस यही सोचा कि कहाँ पे मैं इसको वापस भेजती फिरूँगी, रख लेते हैं कोई बात नहीं। और इसकी नौटंकियाँ शुरू ही रहती हैं पूरा दिन, अब तो इसको बहुत ज़्यादा मज़े हो रहे हैं क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ, साथ में इसको शरारत करने के लिए मामा मामी मिल रहे हैं, तो बस पूरा दिन खुश रहता है ये। और थोड़ा सा जो जीरा है वो बचा हुआ था, ये डिब्बा मुझे खाली करना था क्योंकि इसमें कई सारे सामान हैं जो पन्नियों में रखे हुए हैं, डिब्बे पता नहीं थे भी बहुत, लेकिन अब यही होता ऊपर नीचे होने में ना डबल डबल सामान रखा रहता है, जैसे कुछ चीज़ें नीचे रखी हैं, अब डबल ही चाहिए हैं सारी चीज़ें, तो इसमें इनकी भी कई बार कमी पड़ जाती है जब सामान ज़्यादा आ जाता है उस टाइम पे। तो ये जो धनिया पाउडर है वो पीस करके रखा हुआ था, वो मसालेदानी में मैं डाल दूँगी, जीरा ख़त्म हो रखा था मसालेदानी में तो वो भी मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने भिगो दी है राजमा, क्योंकि क्या होता है ना पहले तो भिगोते नहीं, फिर टाइम पे ये बनती नहीं है, इनको तो पहले भिगोना पड़ेगा अगर बनानी है तो, छोले हुए राजमा हुई, तो फिर वही आलू गाजर गोभी मटर दाल कड़ी यही जो सब्जियां वो बन रही हैं। तो राजमा मैंने भिगो दी थी, शाम में राजमा बनेगी। यहाँ पे जो शक्कर है वो भी मैंने डिब्बे में डाल दी है। तो चुटर पुटर काम कितने होते हैं, इन कामों की कोई गिनती नहीं होती ना, इनको कौन देखता है क्योंकि मोटे मोटे काम है ना वही देखे जाते हैं, भाई हाँ बर्तन झाड़ू पोछा भैंसों का काम हो गया या फिर खाना बनाने का काम हो गया। और यहाँ पे दूध ठंडा हो चुका था तो अब मैं बच्चों के लिए दूध बना दूंगी, और रितु बनाएगी अमित के लिए रोटी, क्योंकि बाकी सब तो घर पे ही रहते हैं, मास्टर जी तो चले गए थे, मास्टर जी तो जल्दी चले गए थे 9 बजे के करीब, लेकिन उनका हमें ये नहीं होता भाई कुछ करना है, बस वो पानी पी करके जाते हैं या अजवाइन का या सौंफ का, बाकी खाना वगैरह नहीं खाते हैं। सुबह के टाइम पे ना चाहे दूध होता है उनका तो कुछ नहीं होता है। आराध्या इस टाइम पे उठ गई थी तो उसको मैंने भेज दिया है नहाने के लिए कि बिटन आ करके, क्योंकि फिर जो लड्डू है ना वो भी नहलाने होते हैं, तो वही करती है उनका काम। और अब यहाँ पे मेरी जो चाय पत्ती और एक मैंने चिया सीड्स मंगवाए थे वो दोनों आपस में मिल गए थे उनकी पन्नी पता नहीं कैसे फट गई और वो थोड़े से आपस में मिल गए थे, जो सही थे वो तो मैंने डाल दिए थे उसी टाइम पे डिब्बों में, ये कटोरी में रखे हुए थे मिले हुए, तो अभी मेरे को ये छलनी मिल गई थी तो मैंने सोचा कि चलो इनको मैं अलग अलग कर लेती हूँ। इसमें चिया सीड्स तो नीचे चले गए थे और जो पत्ती है वो छलनी में रह गई थी, तो अब इनको मैं अलग अलग करके डिब्बों में डाल दूँगी। और यहाँ पे अब मेरी माँ भी आ गई है क्योंकि मेरे काका बनवा रहे हैं चाय, नीचे सिलेंडर है नहीं, रात में सिलेंडर ख़त्म हो गया था हमारा सब्जी बनाते बनाते, तो हम नीचे वाला ऊपर उठा ले आए थे क्योंकि नीचे तो बिजली वाला भी है तो उस पर हम काम कर लेते हैं, सुबह शाम तो हो जाता है उस पर काम, लेकिन सुबह में तो चाय बन गई थी, अब इस टाइम पे लाइट नहीं थी तो इसलिए ऊपर आना पड़ा है चाय बनाने के लिए, वैसे नीचे ही बना लेते हैं। तो मेरी माँ बना रही है मेरे काका के लिए चाय, हम बनाएंगे बाद में। तो बस अब 5-7 मिनट बैठेंगे, लेकिन फिर अमित की होगी थी जाने की तैयारी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चाय बना देती हूँ, ये भी पी करके चला जाएगा, ठंड होती है ना तो चाय बनाऊँगी। लेकिन बीच में मेरी माँ आ गई थी क्योंकि सिलेंडर वाले आएंगे तो फिर पैसे लेने के लिए, और हमारा ऊपर जो लेकर के आए ना वो भी ख़त्म ही होने वाला है, बस थोड़ा सा बचा है, दोनों साथ में ही होंगे ये, फिर ये है कि एक का तो काम चल गया था कोई बात नहीं, अगर दोनों हो गए ना फिर दिक्कत हो जाएगी। और चूल्हे भी हमारे ऊपर वाला भी टूट गया और नीचे वाला भी टूट गया, दोनों चूल्हे टूट गए, बस जो रसोई में है ना नीचे वही जो चूल्हा है वो ठीक है। तो चलो भाई अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, कैसा लगा आप लोगों को बता देना अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।